किसी ने सच ही कहा है, छोटी सोच पाँव में मोच, छोटी सोच पाँव में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दुलरुआ पारा औरों का सहारा, दुलरुआ पारा औरों का सहारा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देती, कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देती। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए, क्या पता दूसरे शहर में उसे जल्दी से नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन किसी से थोड़ा पैसा उधार लिए और ट्रेन का टिकट खरीद कर दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन वो दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उससे सफ़र में खाने के लिए एक टिफिन में रोटियाँ रख कर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सब्जी एक ही टाइम बनती थी, ऐसे में उसकी माँ ने टिफिन में सिर्फ रोटियाँ ही दी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उसके आसपास बैठे लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वो पहले रोटी तोड़ता और उसे तोड़कर टिफिन में डालकर अपने मुंह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है। आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वह ऐसा कर क्यों रहा है, ये बात वहाँ बैठे लोग को समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उसे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास तो केवल रोटियाँ ही हैं, तो उसे बार बार टिफिन में डालकर क्यों खा रहे हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरे पास केवल रोटियाँ ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इसमें तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। वो लड़का बोला, मैं रोटी अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से एक दूसरा व्यक्ति बोला कि दोस्त, अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते। इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मजे से खा पाते। किसी ने सच ही कहा है, छोटी सोच पाँव में मोच, छोटी सोच पाँव में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दुलरुआ पारा औरों का सहारा, दुलरुआ पारा औरों का सहारा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देती, कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देती। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है, और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी सोच रखेंगे तो हमारी कामयाबी भी छोटी होगी। बड़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। बड़ी सोच रखने के साथ साथ हमेशा खुद को विश्वास भी दिलाते रहें कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। बड़े सपने सिर्फ मेहनत करने से बड़े नहीं होते, उसके लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा सोच भी नहीं सकते। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।